सांभर की रेसिपी तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है, बची थी ये नारियल वाली चटनी। हाँ, मैंने पहले भी बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं नारियल की चटनी की, लेकिन ये वाली थोड़ी सी मैंने अलग तरीके से बनाई है। थोड़े से अलग इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा और उन रेसिपियों का टेस्ट थोड़ा सा हटके आएगा। दोनों का टेस्ट अलग है तो जाहिर सी बात है कि दोनों रेसिपी आप बना सकते हैं। और इस नारियल चटनी की खासियत यह है कि ये टेस्टी बहुत है। और क्या खासियत होगी, कुछ और तो होगी नहीं, बस टेस्ट में अंतर होगा ना। तो ये टेस्टी बहुत है, तो इसीलिए इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना, जल्दी से बन जाएगी और झंझट तो बिल्कुल नहीं करना। एक ही बर्तन में चटनी बनके तैयार। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी का जार, बस यही बर्तन यूज करना है, चटनी बन जाएगी। अब डाल देंगे इसके अंदर हम हरी वाली गरी, जो नॉर्मल गोले के अंदर मिलती है ना एकदम से ताजी ताजी, तो वही वाली गरी डालनी है और छोटी छोटी काट के डालनी है, वरना पीसते पीसते नानी याद आ जाएंगी और उसके अंदर टुकड़े रह जाएंगे और जिसके मुंह में जाएंगे, मतलब कि बिना दांतों वाले आदमी के, अगर वो सोच रहा है कि नहीं बढ़िया सी चटनी बनी है और धोखे से आ गया तो उसके दांत तो खड़ी जाएंगे, तो इसीलिए छोटा छोटा काटना है। अब गरी की क्वांटिटी तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि गरी में लाया था गोला, थोड़ी सी मैं खा गया, थोड़ा सा बचा था, बस उसी की मैंने बना ली चटनी। तो मैंने नापी तौली नहीं थी, तो जितनी भी आपके गोले में निकला है वो डाल दो, फिर भी आप ये मान लो कम से कम 80 से 90 ग्राम जितनी तो होगी ही। अब गरी हमने छोटी छोटी काट के डाल दी है, तो अब डालेंगे यहाँ पर अदरक। तो देखो अदरक को भी वैसे ही काटना है छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लें अदरक की, लेकिन इतनी काफ़ी है। अब अदरक इसके अंदर हमने काट के डाल दिया है, तो क्या करना है, तो डाल देना है करी पत्ता, और इसके बगैर तो बनेगी नहीं। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और करी पत्ता नहीं है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक पेड़ लगा लो, गमला है तो उसमें लगा लो, भाई आप पूरी साल नहीं खा पाएंगे उसके पत्ते, हेल्दी भी बहुत होते हैं और टेस्टी भी, तो लगा लो, क्या दिक्कत। अब इसमें काट के डाल देंगे हरा धनिया। तो देखो मैं तो जड़ सहित डाल रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ मैं थोड़ा सा कंजूस टाइप का हूँ ना, तो इसीलिए आप भी जड़ सहित डाल दो, बस बढ़िया तरीके से धुल लो, गंदगी नहीं जानी चाहिए। अगर जरा सी भी मिट्टी वगैरह चली गई ना तो फिर आप कहेंगे कि यार जड़ तो निकाल ही देते, तो इसीलिए जड़ को बहुत साफ साफ धुल लो, उसके बाद डाल दो इसे काट के। अब हरी धनिया भी डाल दिए, तो रह गया लहसुन, वो भी डाल देते हैं। तो देखो पहली वाली रेसिपियों में मैंने लहसुन का यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैंने डाला है, सोचा कि टेस्ट बढ़ जाएगा और बढ़ भी गया था। तो लगभग 7-8 कलियाँ लहसुन की होंगी। अब डाल देंगे इसके अंदर मूंग की दाल। अच्छा, पहले वाले में मैंने चने की दाल डाली थी, इसमें मूंग की दाल डाल दी, और दोनों दाल नहीं है तो ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो लगभग मैंने 1.5 चम्मच जितनी मूंग की दाल ली थी, फूलने के लिए छोड़ दी थी और वो हो गई थी 3 चम्मच, तो वही मैंने डाल दी है। अब डाल देंगे इसमें हरा मिर्चा, क्योंकि चटपटी तो करनी है, तो आप अपने हिसाब से मिर्चा रखिएगा। ये तो बहुत चटपटी थी और चटनी भी बहुत चटपटी हो गई थी, तो लगभग 7-8 होंगी ये। इसी के साथ डाल देंगे नमक, और अब डाल देंगे इसमें हींग। तो हींग आप अच्छी खासी मात्रा में डालो, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो देखो पीसने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो लगभग 1 कप पानी लग गया था पूरी चटनी बटने में, तो ध्यान रखो कि 1 कप पानी तो लग ही जाएगा। आप बढ़ा भी दें कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी चटनी हमें पतली ही करनी है, तो इसीलिए मैंने 1 कप जितना पानी डाल दिया। लो जी चटनी तो बनके हो गई है तैयार, बस इसको निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, और अब डाल देते हैं इसमें पानी, क्योंकि ये है गाढ़ी और जो मिक्सी का जार है इसमें भी थोड़ी सी लगी रह गई है, तो बस इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा हिलाएंगे और पूरे जार को साफ करते हुए वो वाला पानी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा और भी कम लग रहा है तो वो भी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ी सी पतली रखनी है, ध्यान रखना है तभी चटनी का स्वाद आएगा, तो थोड़ी सी आप पतली कर लो। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं, तभी तो साउथ इंडियन स्टाइल बनेगी ना। तो लेते हैं एक काला कलूटा पैन, मेरे पास तो काला कलूटा है, जल जल के और भी ज्यादा काला हो गया था, आपको दिखाने के चक्कर में इतना साफ भी हो गया, नहीं तो ये और भी ज्यादा काला था। खैर आपके पास गोरा हो आप उसका यूज करें। अब इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल और इसको गर्म होने देंगे, तो बहुत ज्यादा मत तेल डालो, हल्का सा ही डालो। अब तेल गर्म हो चुका है धुआं उठने तक, और इसीलिए ये वाला बर्तन काला हो गया है, मैंने तो सबके यहाँ पर काला ही देखा है, अगर आपके यहाँ पर है तो कोई बात ही नहीं। अब तेल गर्म है तो इसमें डाल देते हैं साबुत लाल मिर्च, लगभग 5 होंगी, आप अपने हिसाब से रखो, क्योंकि कुछ लोग तोड़ तोड़ के भी खाते हैं, तो जैसा भी आपके घर में तीखा खाना चाहें उस हिसाब से आप क्वांटिटी रखिएगा, क्योंकि ये वाली मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी चटनी को नहीं करेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और डाल देंगे इसमें हींग, इसी के साथ डाल देंगे करी पत्ता, और जैसे ही करी पत्ता डालेंगे आपको पता ही है एकदम से जो तेल है ना वो छनछनाने लगता है, तो करी पत्ता आप सावधानी से डालें। लो जी तड़का हो गया तैयार, बस अब इसको उठाकर डायरेक्ट घुसेड़ देंगे चटनी के अंदर। लो जी चटनी तो बनके हो गई है तैयार, अब बनाइएगा बड़े या फिर बनाइएगा पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा या फिर कुछ भी मिगोड़ा वगैरह, जो कुछ भी बना रहे हो सबके साथ ये वाली चटनी चल जाएगी, बहुत टेस्टी है।
और हाँ, बन तो जल्दी गई, आपको पता ही है कितना समय लगा। हाँ, दो बर्तन गंदे हो गए, मैंने एक बोला था। खैर कोई बात नहीं, एक तो वैसे ही काला कलूटा था, उसका क्या गंदा होना और क्या साफ होना, तो मेरे लिए तो एक ही बर्तन रहा। खैर अब आप बताओ कि आप चटनी कब बना रहे हैं। देखो जब भी बनाए तो अपना हमें फीडबैक दें कि रेसिपी कैसी बनी, और देखते देखते अगर आपको अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि भैया स्वाद मस्त आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पैसे तो लगने नहीं है, फ्री की चीज़ है, और सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाया, तो कर लेना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।